अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। टुडे इज़ योर EVS ऑनलाइन क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ओपन योर EVS बुक्स एट पेज नंबर 6। आज हम EVS के चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे, तो अपनी EVS की बुक आप ओपन कर लीजिए पेज नंबर 6 पर। आज हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम, कि बेबीज़ कहाँ से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। एनिमल्स यानी जानवर एंड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं इंसानों को, तो जानवर और ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसे यानी अपनी तरह। दे गिव बर्थ और ले एग्स सो दैट देयर काइंड डज नॉट डाई आउट कम्प्लीटली। अब यहाँ जानवरों की बात हो रही है कि कुछ जानवर जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं ताकि जिससे उनकी जो नस्ल है वो पूरी तरह ख़त्म ना हो सके। द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रक्रिया जिससे कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, जिसे वो अपनी तरह बेबीज़ को जन्म देते हैं, उस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑल बेबीज़ आर अ पार्ट ऑफ देयर मदर, यानी जो भी बेबीज़ होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, वो अपनी मदर का ही एक पार्ट होते हैं यानी माँ का ही हिस्सा होते हैं। दे ग्रो इन द वॉम्ब ऑफ द मदर, और वो अपनी मदर के यानी अपनी मम्मी के वॉम्ब में ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। वॉम्ब कहते हैं गर्भ को यानी पेट को। अ बेबी इज़ सेफ इनसाइड द मदर्स वॉम्ब, और जो बेबी होता है वो माँ के गर्भ में सेफ रहता है। अ बेबी कैन नॉट ईट और ब्रीथ ऑन इट ओन, और जो बेबी है वो ना ही खुद से सांस ले सकता है और ना ही खुद से खाना खा सकता है। ए ट्यूब फ्रॉम द मदर्स बॉडी कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबीज बॉडी। एक ट्यूब होती है मदर की बॉडी में जो बेबी को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, यानी बच्चे तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाती है। एक पाइप होता है, एक ट्यूब होती है। व्हेन द बेबी कैन ईट एंड ब्रीथ ऑन इट्स ओन, इट कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। और जब बेबी बड़ा हो जाता है, खाने के और सांस लेने के लायक हो जाता है, तो फिर वो जो मदर की बॉडी होती है उससे बाहर आ जाता है। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। मैमल्स कहते हैं स्तनधारी जीव को, यानी जो दूध पिलाते हैं जीव, उन्हें कहते हैं मैमल्स। तो जो मैमल्स होते हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं यानी जन्म देते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूजुअली ले एग्स, और जो बर्ड्स होते हैं यानी पक्षी और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, ये ज़्यादातर अंडे देते हैं, यानी ये बच्चों को जन्म नहीं देते डायरेक्ट, ये अंडे देते हैं पहले। द बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वॉर्म, और जब वो अंडे देते हैं बर्ड्स, उसके बाद वो अपने अंडों पर बैठकर उनको वॉर्म करते हैं यानी गर्म करते हैं, उनकी सिकाई करते हैं। द बेबीज़ ग्रो इन द वॉर्म्थ, और जो वो गर्मी देते हैं अंडे को, उससे जो उनका बेबी होता है वो ग्रो करता है यानी बड़ा होता है। कीपिंग द एग्स वार्म टिल दे हैच इज कॉल्ड इनक्यूबेशन, और जो बर्ड्स होते हैं वो तब तक अंडे को वार्म करते हैं, तब तक उसको गर्म करते हैं जब तक कि वो टूट ना जाए और बेबी बाहर ना आ जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनक्यूबेशन। वंस द बेबीज़ आर फॉर्म्ड एग्स हैच एंड चिक्स कम आउट ऑफ देम, और जब बेबी पूरी तरीके से बन जाता है तो जो अंडा है वो टूट जाता है और चूजा निकलकर बाहर आ जाता है। ऑल एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे ग्रो इनटू एडल्ट्स, और जितने भी जानवर हैं यानी सभी जानवर अपने बच्चों की तब तक देखभाल करते हैं जब तक वो अच्छे से बड़े ना हो जाएं, और जो बर्ड्स होती हैं वो तब तक अपने बेबीज़ का ध्यान रखते हैं जब तक वो अच्छे से उड़ना ना सीख लें। अब नेक्स्ट है एडॉप्शन। एडॉप्शन कहते हैं गोद लेने को। नदिनीज पैटर्नल आंट अंजलि हैड नो चिल्ड्रन।
नादिनीस की जो पैटर्नल आंट हैं यानी पापा के रिलेटिव्स में जो आंट हैं उसकी फुप्पो, और उसकी फुप्पो का नाम है अंजलि, उनके बच्चे नहीं हैं। शी मेट विपुल, वो विपुल से मिली, अ 5 years old बॉय, और विपुल एक 5 साल का बच्चा है छोटा, इन एन ऑर्फनेज, और वो विपुल से कहाँ पर मिली, अनाथ आश्रम में मिली। विपुल हैड लॉस्ट हिज नेचुरल पेरेंट्स इन बिहार फ्लड्स, और विपुल ने जो उसके नेचुरल पेरेंट्स थे यानी जो उसके असली मम्मी पापा थे उनको खो दिया था बिहार में जब बाढ़ आई थी तब। अंजलि एंड हर हस्बैंड रोहित डिसाइडेड टू अडॉप्ट हिम, तो अंजलि और अंजलि के पति रोहित ने ये डिसाइड किया कि वो विपुल को गोद लेंगे। एंड ब्रिंग हिम अप एज देयर ओन चाइल्ड, और विपुल को अपने घर लेकर आएंगे अपने बच्चे की तरह, यानी उसको गोद लेकर अपना बनाकर घर लेकर आएंगे। दे विल बी हिज फॉस्टर पेरेंट्स, और जब वो उसको अपने घर पर लेकर आ जाएंगे तो वो कैसे पेरेंट्स कहलाएंगे, वो फॉस्टर पेरेंट्स कहलाएंगे, यानी पालन यानी पालने पोसने वाले माँ बाप। क्योंकि विपुल तो खो गया था बचपन में जब बिहार में बाढ़ आई थी, तो इसलिए जो रोहित और अंजलि हैं वो उसके फोस्टर पेरेंट्स हुए हैं, उसके नेचुरल पेरेंट्स तो खो गए थे बचपन में। तो जो विपुल और जो अंजलि और रोहित हैं वो विपुल के कैसे पेरेंट्स हुए, फोस्टर पेरेंट्स, यानी अब से विपुल का ध्यान वही रखेंगे, उसको स्कूल भी वही भेजेंगे, उसका खाने पीने का, सोने का, घर का, हर चीज़ का ध्यान वही रखेंगे। एक तरीके से अब विपुल के जो पेरेंट्स हैं वो अंजलि और रोहित बन गए हैं। दे अडॉप्टेड विपुल लीगली, उन्होंने विपुल को लीगली अडॉप्ट किया है, यानी कि कानूनी तौर पर उन्होंने विपुल को गोद लिया। विपुल इज़ हैप्पी दैट ही विल हैव अ न्यू होम, अब विपुल बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि अब विपुल का एक घर, यानी विपुल बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि अब उसका भी एक घर होगा, मम्मी पापा होंगे। इसलिए अंजलि एंड रोहित हैव बिकम प्राउड पेरेंट्स, दे हैव एडमिटेड देयर सन टू स्कूल एंड आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स। अब विपुल के मम्मी पापा अंजलि और रोहित बन गए, उन्होंने विपुल का एडमिशन स्कूल में कराया और अब वो वही उसकी देखभाल करने लगे। हेयर वी लर्नड दैट फैमिलीज चेंज इन साइज व्हेन अ बेबी इज बोर्न इन इट, यहाँ हमने सीखा कि फैमिली का साइज चेंज होता है जब कोई बेबी बोर्न होता है फैमिली में, और अ न्यू मेंबर जॉइन द फैमिली थ्रू मैरिज और अडॉप्शन, और या कोई न्यू मेंबर जॉइन करता है जब शादी होती है तब, या अगर आप किसी को गोद लो तब, और व्हेन समवन मूव्स आउट ऑफ द हाउस, और अगर कोई घर से चला जाता है, शादी हो गई किसी की, अगर कोई घर से चला गया तो फैमिली का साइज़ क्या होता है, फैमिली का साइज़ छोटा हो जाता है, एक फैमिली मेंबर चला जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा आपका चैप्टर नंबर 1 कि किस तरीके से फैमिली का साइज़ चेंज होता है, किस तरीके से फैमिली में न्यू मेंबर के आने से फैमिली का साइज़ बढ़ जाता है, और किसी के चले जाने से फैमिली का साइज़ छोटा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।